सांसद रवनीत बिट्टू से आज टाइम्स पंजाब टीवी ने खास बातचीत में पूछा कि उन्होंने लुधियाना के एमपी बनने से पहले लोगों से क्या क्या वादे किए थे। देखो, सबसे पहले तो हमारा जो वादा है कॉलेज लाने का, गवर्नमेंट कॉलेज का, वो पूरा हुआ और उसकी बिल्डिंग अभी बननी शुरू होनी है, लेकिन हमने उतनी देर एडमिशनें कहीं और जगह लेके वो शुरू किया। और सबसे बड़ा इंडस्ट्री का, जो बहुत चिर की मांग थी, क्योंकि कहीं भी उन्होंने प्रदर्शनी लगानी होती थी, कहीं भी उन्होंने अपनी नुमाइश लगानी होती थी, उसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं थी। तो 8 एकड़ जगह जो है ईस्ट हल्के में वहाँ दी गई। और जो स्मार्ट सिटी हमारा, जो आज 4 साल मोदी जी ने, ठीक है उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार जब की आई है, हमने कोशिश की है जल्दी से जल्दी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो आगे पूरे हों। तो लेकिन जहाँ तक कॉरपोरेशन की आपने बात की है, ये बिल्कुल एक पैसा भी हमारे लिए छोड़ के नहीं गए। तो हमारी कोशिश है उस खाते जो पैसा है कहीं ना कहीं से लेके आएँ और 15 अगस्त को सीएम साहब से अनाउंस कराएंगे। और सबसे बड़ा जो बड़ा फैसला, जो लुधियाने के लिए बहुत अच्छा फैसला हुआ है और पिछली कैबिनेट मीटिंग में किया, क्योंकि मेन काम हमारा प्रॉपर्टी का था, उससे बिजनेस लोगों का चल रहा था, कोई छोटा प्लॉट खरीद लेता था, बेच लेता था, उससे पैसे कमाई हो जाती थी, बड़े प्रॉपर्टी डीलर भी थे। तो उसमें हमने बहुत बड़ा फैसला जो पिछली कैबिनेट मीटिंग में किया, देखना ये बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बूम जो आने वाले दिनों में आएगा और दोबारा हमारा प्रॉपर्टी का काम चलेगा। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पिछली सरकार थी, सबसे बड़ा यही काम था भाई, प्रॉपर्टी का बिजनेस इतना चला था, हर आदमी कुछ ना कुछ उसमें से अपनी कमाई करके, अपना किसी ने घर बना लिया था, कोई कारोबार शुरू कर लिया था, वही हम सबसे पहले चाहते हैं वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू हो जाए। तो उसके लिए बहुत बड़ा फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किया है, जो भी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, जो भी बने हैं मार्च 2018 तक, उनको सबको लीगलाइज किया है और आगे भी उनके लिए बहुत रास्ता आसान किया है, जिससे वो प्रॉपर्टी का, रियल स्टेट का जो बिज़नेस है वो आगे आले दिनों में बढ़ सके। और रेलवे स्टेशन है, जैसे रेलवे स्टेशन में हमारी कोशिश है, एक जगह वो एक्सीलेटर लग चुका है और दूसरी जगह काम चल रहा है, और ख़ास तौर पे फ्लाइट बंद थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी एयरपोर्ट की, वो जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना और सरकार हमारी आई, तो हमने वो फ्लाइट जो है लुधियाना की शुरू करवाई, जो बंद पड़ी थी, सबसे बड़ा काम था। अब हम लगे हैं हलवारा एयरपोर्ट, ख़ास तौर पे बड़ा एयरपोर्ट है हमारी, अब ध्यान ज़्यादा हलवारा एयरपोर्ट के ऊपर है, उसे कैसे विकसित किया जाए। तो ये चीज़ें हैं जो लगातार चल रही हैं। तो कई चीज़ें हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 15 अगस्त को अनाउंस करेंगे, अभी मैं वो नहीं बताना चाहता, तो उस दिन वो आपको बड़े प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा।